देख रहे हैं आप लोगों के होने के बावजूद स्कूल में क्या क्या हो रहा है। बॉयज आर वॉचिंग एक्स रेटेड फिल्म एंड गर्ल्स आर हैविंग सीक्रेट मिडनाइट बर्थडे पार्टीज एंड यू मिस कामिनी चित्रलेखा सिंह जी हेड ऑफ टीचर्स डिपार्टमेंट, ये जो कुछ भी हुआ ना इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट आपका है। उर्मिला जी, मुझसे भूल हुई है। मैंने पहली बार भरोसा करके एक दिन के लिए अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी लापरवाह निकलेंगे। आप अपनी गलती का ब्लेम एक असिस्टेंट टीचर के ऊपर कैसे डाल सकती है? गलती आपकी थी, आपने बिना मेरी परमिशन से ऐसा किया कैसे? हाउ कुड यू डू दैट? और अगर आपको छुट्टी लेने का इतना ही शौक है तो टेल मी, मैं आपको एक लंबी छुट्टी पर भेज सकती हूँ। जैसे बाकी टीचर्स आपको आंसरेबल है, उसी तरह से आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू माई मॉम। हाउ कैन यू टेक थिंग्स सो लाइटली? यू नो व्हाट, यू हैव हाईली डिसअपॉइंटेड मी। एंड यू मिस्टर कार्तिक, जब तक हेड कोच छुट्टी पर है तब तक बॉयज डॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। Yes. वैसे भी आप प्रोबेशन पीरियड पे है ना? Yes, ma'am. और आप अब भी से ऐसी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे? वो मैम, वो you know, मैंने सुना है कि you've been a sports person. Is that right? Yes. और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में तो बहुत डिसिप्लिन होता है, क्या आप ये डिसिप्लिन सिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को? आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। यू बेटर बी। वॉरियर हाई में रह रहे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है एंड आई कांट टेक रिस्क विद इट। इसलिए अब से हर एक एक्टिविटी की खबर आप लोग मुझे लाकर देंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यू मे लीव नाउ। आज इस मूर्ख लड़की की वजह से सबके बीच मेरी इतनी बेइज्जती की गई। विभा जी, आप मेरी जिंदगी का कांटा बन चुकी हैं। और इससे पहले कि ये कांटा मुझे और चोट पहुंचाए, मैं उसे निकाल फेंकूंगी। I'm not going to leave Siyali. Of course. Your plans are a major flaw. We have to. I have to leave for my class, sir. I need to go. All right. Okay. Look who's here. Look, guys. The drama queen is here. Simi, तुम्हारी इस stupid act की वजह से हम सबको punishment मिली है. You loser. Suzanne. जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो ना, तो अपना मुंह बंद ही रखा करो. इस बिचारी के साथ कल रात को क्या हुआ है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो इसे ब्लेम करना बंद करो। चलो सिमी। लाइक रियली, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? अगर ये तुम्हारी दोस्त होती ना तो तुम इस तरह की बदतमीजी नहीं करती इसके साथ। प्लीज, तुम चुप रहोगी तो बेटर रहेगा। तुमने हम लड़कियों के साथ साथ उन लड़कों को भी फंसा दिया। लड़कों के साथ वही हुआ है जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने जो हरकत की है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ खुद के बारे में सोचती हूँ। एक लड़की की इज्जत क्या होती है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एंड लिसन, ये जो तुम अपने आगे पीछे दो तीन लड़कियों को घुमाकर खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, पर एक दिन जब यही लड़कियां तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब तुम किसी लूजर से कम नहीं होगी। हाउ डेयर यू। बस क्रिजान, प्याली को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और वो सची तो बोल रही है, तुम किसी की दोस्त बनने लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें अपने अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। You know that? You're such a selfish and mean girl. और तुम्हारे जैसा दोस्त होने से बेटर है इंसान अकेला रह जाए। Really? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए मर रही हूँ? बस सामान उठाओ और जाओ यहाँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं तुमसे जितना दूर रहूँ ना उतना मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे जैसे फेक फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है मुझे, जो मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दें।
मम्मी बात तो सुन। लिसन गर्ल्स, मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ, जितना जल्दी हो सके ना इसका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को यूज करना जानती है। यू नो दैट गर्ल्स, सच्चा दोस्त तो स्याली जैसा होता है। मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, बट मुसीबत में इसने मेरा साथ दिया। और ये क्रिजान, उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। Just shut up and go away from you. तुम्हारे साथ रहना भी किसे है? चल स्याली। भगवान, अब ये यहां भी क्यों आ गई है? छुप जा विभा, वरना इनका सारा गुस्सा ना तुझ पे ही उतरेगा। बच गए, नहीं तो अभी फिर पीछे पड़। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैम आपको तो पता ही है स्कूल में क्या हुआ है, इसलिए अपना माइंड डाइवर्ट करने यहाँ आ गए, बुक्स रीड करने। ये सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि बुक्स हमें सुकून देती है। मैंने सुना है कि उर्मिला मैम ने सबको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी है। हाँ तो और क्या पार्ट, पनिशमेंट तो उन्हें मिलनी ही चाहिए ना, वो लोग एक्स रेटेड फिल्म्स देख रहे थे। और ये फिल्म्स देखना सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पूरी कंट्री में बैन है। शायद आप ठीक कह रहे हो मैम, लेकिन हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी ही नहीं जाती है, शायद इसलिए वो लोग ये फिल्म्स देख रहे थे। पार्ट सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इन मूवीज में सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती है, बल्कि अनरियलिस्टिक सेक्स दिखाया जाता है। एंड सेक्स इज नॉट अबाउट लस्ट, इट्स अबाउट लव मेकिंग। मुझे लगता है कि तुम सबको अपने किसी मेल टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। यू आर राइट मैम। खजान का? ए रोहित, तुझे क्या लगा? अरे मामू कुछ बताया नहीं तो तू बच गया, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? हां छोड़ना, कैसे करी तूने? छोड़ यार, यार जाने दे, क्या कर रहा है? छोड़ना यार, तुझे पता भी नहीं इसने किया क्या है, जो पनिशमेंट हम लोग भुगत रहे ना सिर्फ इसकी वजह से। बहुत ठरकी हो रहा था तू, बहुत ठरकी हो रहा था साले। हां इतनी बाउंड में जाके बाथरूम में जा, अगली बार तूने किसी भी लड़की को आग उठाकर देखा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। थैंक्स यार, क्या किया उसने? छोड़ना यार, इतनी की जबरदस्ती कर रहा था ना तू, बताना उसको। देख सर, मैं कोई बदतमीजी नहीं की है, वो खुद भी मुझ में इंटरेस्टेड थी, एंड उसी ने मुझे कहा था कि दैट शी लाइक्स मी। व्हाट? सिमी के साथ? कोई लड़की तुझे लाइक करती है उसका कुछ भी करेगा क्या तू? हां तुम जैसे लड़कों को अकल नहीं होती है, यू विल डोंट नो हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स। तूने आज हरकत करी है ना, इसकी वजह से एक्सपेल हो सकता था तू। इस बार मैंने तुझे बचा लिया, पर ये मत समझना कि तू सही था। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया भी, मैं मॉम के पास खुद जाऊंगा तेरी कंप्लेन करने के लिए, और उससे पहले तेरा बूट तोड़ दूंगा, समझा? हट यार, चल हट, चल निकल ले, वरना सेट से पहले मेरा हाथ उठ जाएगा। चल चल यार, सेट ही वाज रॉन्ग यार, चल। अच्छा जिम चले सिंह। की वजह से सफाई हमें करनी है, पूरी स्कूल की सफाई करनी है यार। आ गए लूजर, मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने कहा था ना ये हमारी फ्रेंडशिप डिजर्व ही नहीं करता, ट्रेटर कहीं। क्या बात कर, तू तो बड़ा बोल रहा है, तेरी सियाली किसी को कुछ नहीं बोलेगी। हाँ तो अब क्या हुआ, तेरे चक्कर में हम सब फंस गए। बोलना वो क्या रहा है? दूर है, दूर है। मैंने बोला था ये किसी काम का नहीं, क्या रो क्या रहा है? अब इसकी भी कंप्लेन करेगा क्या? हाँ क्या इसकी भी कंप्लेन कर दो, जा जा जा। वो रहा प्रिंसिपल, रो वो रहा, गो सीधा। अरे उत्कर्ष, उत्कर्ष रुक, उत्कर्ष रुक, सुन तुम लोगों की बात से इफेक्ट मत हो, आई नो कि तू गलत नहीं है। सॉरी ब्रो, मुझे नहीं पता था सियाली कंप्लेन कर देगी, उसने आज तक अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, फिर आज पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया। आई एम रियली सॉरी किया मैं। इट्स ओके ब्रो, आई नो कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स भी धोखा देते हैं, टेंशन मत ले, कम हग कम।
बचोगे। टेंशन मत ले, जब तक अयाज तेरे साथ है तुझे स्कूल में कोई कुछ नहीं बोल सकता, समझा? अब चल मेरे साथ, चल। और कॉरिडोर तू साफ कर। अच्छा हाँ, तो ये सफाई की बात है, नहीं, इसको नहीं। तो बाथरूम ही साफ करना है, खराबी तो यही करता है। एक दिन लेट जाऊंगा। ये क्या तरीका है बात करने का उत्तर से? यार वो इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझा? जो भी हुआ है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अब वो बेचारा क्या करे, उसकी फ्रेंड ने डिच कर दिया उसको। गर्ल्स आर लाइक दैट ओनली, वी कांट कंट्रोल देम, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। और आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो अब हैंड चेक करो। लास्ट वार्निंग है ये। थैंक्स ब्रो। मुझे तो लगा था कि तू भी मुझसे बात नहीं करेगा। यू सो मच। ओके ब्रो, तू अब मेरा दोस्त है, पर अयाज अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरह समझता है, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। देखिए आप जल गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, जाइए जल्दी जाइए। क्या आपने ठीक से देखा है कि सिद्धार्थ राजपूत व्यायामशाला के स्नान घर में गए हैं? जी हाँ मैडम, वो वही है। जल्दी जाओ और विभा जी के अंदर जाते ही स्नान घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देना, समझे? चले जाओ। आएगा असली मजा विभा जी, जब आप उर्मिला जी के सुपुत्र सिद्धार्थ के साथ व्यायामशाला के स्नान घर में रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी। कुछ ही देर में आप इस विद्यालय के बाहर नजर आएंगे। उर्मिला जी के कथनानुसार आप सभी लोग सीनियर्स एंड जूनियर्स, सभी कक्षा के विद्यार्थी ठीक 7 बजे अपने क्रमांक के अनुसार यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ठीक 8 बजे रात्रि भोज और ठीक 9 बजे आप सभी अपने शयन कक्ष में नजर आएंगे, समझे? शुरू कीजिए। क्रमांक 1 क्रमांक 2 उपस्थित मैम। 3 उपस्थित मैम। क्रमांक 4 क्रमांक 5
सिद्धार्थ राजपूत। उपस्थित हूं मैम। ये कैसे हो सकता है? अगर सिद्धार्थ यहाँ है तो फिर विभा के साथ कौन है?